ये लोग देखिए पूरी तरीके से नकारात्मक लोग हैं, इनको कुछ ऊट पटांग बोलना ही है। बीजेपी के लोगों ने ये लोग क्या किया, ताली मार रहा था लोग जब मना किया तो। आजकल सबको तो पद चाहिए। आपको एक बात समझना पड़ेगा कि हम भी लोग 17 महीने में आए, तभी ना जाति आधारित गणना हुई, तभी ना आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, उनके 17 साल में क्यों नहीं हुआ? ये नौटंकी तो वो लोग कर रहे हैं ना भाई, आप शेड्यूल लाइन में क्यों नहीं डाल रहे इसको? जो आज बोल रहे वही ना मेरे साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि इसको शेड्यूल लाइन में डाला जाए। तो क्या जिस बात को लेकर के हम धरना दे रहे हैं कि आरक्षण को शेड्यूल लाइन में डालना चाहिए, तो वो क्या कह रहे हैं कि नहीं डालना चाहिए? अगर सहमत है तो करवाए ना भाई, सत्ता में तो वही लोग बैठे हुए, वही तो हम बोल रहे भाई करवाओ ना, तुम ही लोग तो सत्ता में बैठे हो, करवाओ। हम थे तो हम तो किए, आरक्षण भी बढ़ाए, जाति आधारित गणना भी करवाए, यही 17 महीने में ना हुआ तो आप लोगों ने देखा है, 5 लाख नौकरी उसी में ना मिला, 3 लाख प्रक्रियाधीन उसी में ना हुआ, सभी स्वयं सहायता समूह का मानदेय दुगुना उसी में ना हुआ, नई शिक्षा नीति उसी में ना बनी, खेल नीति उसी में ना बनी, आईटी नीति उसी में ना बनी। आप लोगों ने क्या किया 17 साल में? तो ये लोग देखिए पूरी तरीके से नकारात्मक लोग हैं। कोई पॉजिटिव काम कीजिए, सकारात्मक बात कीजिए, तो इनको कुछ ऊट पटांग बोलना ही है। हालांकि सत्ता में बैठे हैं तो जिम्मेवारी, अब तो लोग कहते हैं कि इतना ताकत है इनको केंद्र में, तो ये भी नहीं करा सकते। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा तो छोड़ दीजिए, वो तो साफ साफ मना कर दिए इस बार भी बीजेपी के लोगों ने। ये लोग क्या किया, ताली मार रहा था लोग जब मना किया तो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो जदयू के लोग ताली मार रहे थे, क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिहार का योगदान है, 3 बार से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, बिहार की इसमें बड़ी भूमिका है, और आप बिहार को ही जो है सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। तो इस शेड्यूल लाइन में पूछिए, जनता दल यूनाइटेड का एक नेता से चैलेंज करते हैं कि उनको इस पक्ष में है कि नहीं है शेड्यूल लाइन में डालने के, बस इतना ही सवाल है। त्यागी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया जेडीयू से। देखिए अलग अलग दल में कोई इधर जा रहा है कोई उधर आता है, आजकल सबको तो पद चाहिए, एमएलए एमपी सबको बनना है, एमएलसी बनना है, राज्यसभा बनना है, कुछ ना कुछ पद तो लोगों को चाहिए, लेकिन पद जो है बड़ा लिमिटेड है। मान लीजिए 243 सीट है ना, तो कोई भी दल लड़ती है गठबंधन में, मान लो हम पिछले बार 150 लड़े हैं, तो 150 लोगों को ना टिकट दीजिएगा। तो विचारधारा की जो राजनीति है वो होनी चाहिए। हम लोग आज तक अपने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, आज तक बीजेपी से हम लोगों ने हाथ नहीं मिलाया, आरएसएस से हाथ नहीं मिलाया। हम लोग चाहे सत्ता रहे या ना रहे, हम लोग का जो विचारधारा है उस पर खड़े रहे। आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट गई है सरकार, आपकी पार्टी कौन आरक्षण के दायरा मंडे को है ना डेट, मंडे को तो हम तो पहले ही बोल रहे थे कि भाई हम अपना पक्ष जो है रखेंगे, वही मंडे को लिस्टिंग हुई है। तो हम लोग तो पूरी तरीके से जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा था बिहार सरकार अगर यहाँ पक्ष रखती अच्छे से हाईकोर्ट में तो खारिज हो जाता मामला, एज इट इज आरक्षण रहता। लेकिन फिर भी अगर प्रधानमंत्री अगर आरक्षण के हित में होते तो उसको शेड्यूल लाइन में डालते।